प्रिय दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्योति पर। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि मंगल देवता मेष लग्न की कुंडली में 11th हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि मंगल देवता यदि 12th हाउस में विराजमान हो तो क्या रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, 8th हाउस और 12th हाउस दो एक ऐसे हाउस हैं जिनमें यदि कोई प्लेनेट अपनी ही राशि में बैठेगा तो ही इस हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देगा। अदरवाइज यदि 12th हाउस में कोई प्लेनेट बैठता है, वो मित्र राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अपनी राशि में नहीं हो, तो उस प्लेनेट के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी वो हानि करेगा, क्योंकि 12th हाउस आपके लॉस को दिखाता है। ये जो आपका फर्स्ट हाउस है, आपका जो खुद का हाउस है, मतलब आप खुद हो जो, उसका लॉस दिखाएगा आपका, उसका 12th हाउस आपका लॉस दिखाएगा। तो दोस्तों, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम ये देखते हैं कि 12th हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस आपके लॉस को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी तरह का लॉस हो, मन का, बुद्धि का, शरीर का, किसी भी तरह का लॉस हो, आपके खर्चों को दिखाता है। आपके यदि लग्न का मालिक 12th हाउस में बैठ के जाके, तो आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। 12th हाउस से फॉरेन विदेशी चीज़ों को भी देखा जाता है, जैसे फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन कंट्रीज को भी देखा जाता है। 12th हाउस मोक्ष का कारक भी है, कुंडली का सबसे लास्ट घर है और आपके जीवन चक्र का भी लास्ट स्टेज है। तो ये अध्यात्म को दिखाता है 12th हाउस, मेडिटेशन, अध्यात्म को भी दिखाता है, मोक्ष का भी घर है। बैड प्लेजर्स को दिखाते हैं, आपके जीवन में होने वाले दुखों को भी दिखाते हैं। ये हॉस्पिटल और जेल को भी रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस। तो दोस्तों, जब मार्स 12th हाउस में जाएगा तो मार्स की जो क्वालिटीज हैं उनका लॉस होगा। क्वालिटीज क्या हैं मार्स की? एनर्जी का लॉस होगा, विल पावर का लॉस होगा, करेज का लॉस होगा। मार्स से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज हैं उनका लॉस करेगा ये। मार्स यहाँ पे बैठता है तो आपको अपने खर्चों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और विशेषकर स्वास्थ्य का, क्योंकि लग्न अपने से एक घर पीछे 12th हाउस में चला गया, तो अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना है आपको दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे बैठ के मार्स आपको फॉरेन सेटलमेंट जरूर करवा सकता है, फॉरेन सेटलमेंट में मदद कर सकता है, या हो सकता है कि आप किसी ना किसी तरीके से फॉरेन से जुड़े हुए हों। आपका जो सेटलमेंट भी है वो भी घर से दूर ही होगा, किसी ना किसी तरीके से फॉरेन कंट्री से आपके रिलेशन रहेंगे। अब 12th हाउस से मंगल जब चौथी दृष्टि से थर्ड हाउस को दिखेगा, 1, 2, 3, 4, तो इसकी दृष्टि सेपरेटिव होती है, तो ये छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क का हाउस है, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ से बैठ के जब मार्च चौथी दृष्टि से डालेगा तो आपके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, थोड़ा वाद विवाद करवा सकता है। 6th हाउस को देखेगा, 6th हाउस बीमारी का हाउस है, ब्लड से रिलेटेड परेशानी हो सकती है आपको, कर्जे का हाउस है, कर्जा हो सकता है क्योंकि मार्स खुद कर्जे का कारक है, कर्जा होगा लेकिन उनको चुकाने में मदद करेगा मार्स अपनी। 6th हाउस आपके दुश्मनों का है, तो दुश्मनों को जो दृष्टि है मार्स की वो दुश्मनों को दूर करेगी, दुश्मनों को कंट्रोल में रखेगी। मार्स की जो 8th दृष्टि है वो 7th हाउस में पड़ेगी। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, तो आपके जो लाइफ पार्टनर है, वाइफ है, उसके साथ कलेश हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। यदि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है इसके ऊपर राहु केतु शनि का, तो आपका डाइवोर्स भी करवा सकता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और बताना है मेरे को, 8th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो लोग कहते हैं विपरीत राजयोग बनता है। नहीं, विपरीत राजयोग की कंडीशन में आपका जो लग्नेश है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर तो लग्नेश ही 12th हाउस में चला गया,
जहाँ पे विपरीत याजोग नहीं बनेगा। तो दोस्तों, 12th हाउस मोक्ष का भी कारक है। मार्स बैठेगा तो आपका आध्यात्म की तरफ ध्यान जरूर जाएगा, और यदि गुरु की पोजीशन अच्छी हुई, गुरु यहीं बैठा हुआ, तो आप स्पिरिचुअल की तरफ जरूर जाओगे। केतु यहीं बैठा हुआ, क्योंकि केतु मोक्ष का भी कारक और 12th हाउस का भी कारक है, तो आप आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव जरूर होगा जीवन में। यहां से बैठ के आपको मार्स है, आपको मतलब जैसे पहाड़ आइसोलेटेड जगह होती है ना, वहां घूमना पसंद होगा, पहाड़ बर्फीली वादियां जहां पे आसपास कोई नहीं हो, क्योंकि 12th हाउस आपके आइसोलेशन का भी कारक है। 12th हाउस में जब मार्स होगा तो आप हॉस्पिटल या जेल से रिलेटेड या एसाइलम से रिलेटेड जुड़ के कोई भी काम कर सकते हो। 12th हाउस आपके बेड प्लेजर्स का भी हाउस है। 7th हाउस आपकी पत्नी का कारक है, पत्नी से आपको बेड प्लेजर्स मिल सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।